एमए फाइनल ग्रुप बी के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान सहाचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय छूट। हमारा जो विषय चल रहा था वो था अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून इंटरनेशनल लॉ। इसमें जो हमारा विषय चल रहा था वो था क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है, क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है, वेदर इंटरनेशनल लॉ इज़ अ ट्रू लॉ, वेदर इंटरनेशनल लॉ इज़ अ ट्रू लॉ, और अथवा अंतर्राष्ट्रीय कानून न्यायशास्त्र का लोक बिंदु है, इंटरनेशनल लॉ इज़ अ वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस। अंतर्राष्ट्रीय कानून न्यायशास्त्र का लोक बिंदु है, इंटरनेशनल लॉ इज़ अ वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस। इसमें हमारा जो विषय चल रहा था वो था अंतर्राष्ट्रीय कानून की कमजोरियाँ, अंतर्राष्ट्रीय कानून की कमजोरियाँ या दोष, वीकनेसेस और डीमेरिट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, वीकनेसेस और डीमेरिट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसमें हमने कमजोरियों के या दोषों के तीन बिंदु कर लिए थे, तीन पॉइंट्स कर लिए थे, तीन बिंदु हमने कर लिए थे जो इस प्रकार थे। व्यवस्थापन संबंधी कमजोरी, व्यवस्थापिका की क्या कमजोरी है उसको हमने कर लिया था, व्यवस्थापन संबंधी कमजोरी। दूसरा था कार्यपालिका संबंधी कमजोरी, कार्यपालिका संबंधी कमजोरी। और तीसरा था न्यायपालिका संबंधी कमजोरी, व्यवस्थापन संबंधी कमजोरी, कार्यपालिका संबंधी कमजोरी और न्यायपालिका संबंधी कमजोरी। ये तीन पॉइंट्स हमने कर लिए थे, आज हम आगे की कमजोरियां या दोषों को करेंगे। तो चौथा पॉइंट क्या आया, चौथा पॉइंट आया राज्यों की संप्रभुता एवं अतिवादी राष्ट्रीयता, राज्यों की संप्रभुता सुप्रीमेसी एवं अतिवादी राष्ट्रीयता, अतिवादी राष्ट्रीयता। कोई भी राज्य अपनी संप्रभुता को खोना नहीं चाहता है, कोई भी राज्य अपनी संप्रभुता को खोना नहीं चाहता, अपनी संप्रभुता को समाप्त नहीं करना चाहता, खोना नहीं चाहता है, क्योंकि राज्यों का अस्तित्व ही संप्रभुता के द्वारा होता है। राज्यों का जो अस्तित्व है वो ही संप्रभुता के द्वारा होता है। संप्रभुता है तो राज्य है, संप्रभुता नहीं है तो राज्य नहीं है। यदि संप्रभुता नहीं है तो राज्य को राज्य नहीं कहा जा सकता है, राज्य को हम राज्य नहीं कहेंगे यदि संप्रभुता नहीं है तो। अब मैं आपको यहाँ थोड़ा सा इससे हटके बता दूँ, राज्य के चार आवश्यक तत्व होते हैं, फोर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। कौन कौन से? पॉपुलेशन, जनसंख्या, भूभाग टेरिटरी, सरकार गवर्नमेंट और संप्रभुता सुप्रीमेसी। जब तक संप्रभुता नहीं आएगी कोई भी राज्य राज्य नहीं कहा जाएगा, किसी भी राज्य को राज्य नहीं माना जाएगा। भारत एक संघ की इकाई के रूप में राज्य है, भारत में जितने भी राज्य जिन्हें राज्य कहा जाता है, चाहे वो राजस्थान हो, एमपी हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, ये राज्य नहीं है क्योंकि इनमें संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता तो भारत एक इकाई के रूप में संप्रभु है। तो मैं आपको इससे थोड़ा हट के समझा रहा था, यदि राज्य में संप्रभुता नहीं है तो वो राज्य ही नहीं है, उसे राज्य ही नहीं कहा जा सकता। ये था पहला। इसी प्रकार राष्ट्रीयता जो नेशनलिटी है, राष्ट्रीयता की अंधी भावना के परिणाम स्वरूप, राष्ट्रीयता की अंधी भावना के परिणाम स्वरूप राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून की चिंता ही नहीं करते हैं। राष्ट्रीयता जो है उसकी अंधी भावना के कारण, अंधी भावना के परिणाम स्वरूप जितने भी राज्य हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह ही नहीं करते, अंतर्राष्ट्रीय कानून की चिंता ही नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए इज़राइल ने अरबों पर आक्रमण किया था, चीन ने भारत पर आक्रमण किया था,
चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयों की अवहेलना की थी, दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयों की अवहेलना की थी। इन सबका कारण उग्र राष्ट्रीयता ही था। इन सबका क्या कारण था? उग्र राष्ट्रीयता। तो पॉइंट क्या आया कमजोरी का? राज्यों की संप्रभुता एवं अतिवादी राष्ट्रीयता। राज्यों की संप्रभु जो है, राज्य अपनी संप्रभुता को किसी भी प्रकार से खोना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि हमारी संप्रभुता खो जाए, और यदि क्योंकि संप्रभुता नहीं है तो राज्य ही नहीं, राज्य का कोई अस्तित्व नहीं संप्रभुता के बिना। इसी प्रकार राष्ट्रीयता की अंधी भावना जो है, उसके परिणाम स्वरूप राज्य, जितने भी राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून की चिंता ही नहीं करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून की चिंता ही नहीं करते हैं। ये था चौथा पॉइंट कमजोरी या दोष का। पांचवा पॉइंट आता है घरेलू मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में प्रावधान। घरेलू मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में प्रावधान, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ के चार्टर में प्रावधान। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार राज्यों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करना वर्जित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहता है कि उसका प्रावधान क्या है, चार्टर के अनुसार क्या प्रावधान रखा गया है कि राज्यों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करना वर्जित है। राज्यों के घरेलू मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, हस्तक्षेप करना वर्जित है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून जो उसको लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनके आंतरिक मामलों में, किनके? राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। वो हस्तक्षेप नहीं करेंगी राज्यों के आंतरिक मामलों में। और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मूक दर्शक की भांति देखती रहती हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं राज्य, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ जो हैं वो एक मूक दर्शक, मूक दर्शक के रूप में केवल उसे देखती रहती है, कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यूएनओ के चार्टर में साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ प्रावधान है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं वो किसी भी राज्य के आंतरिक मामले में या घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी, हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून कमज़ोर है, इसलिए इसमें ये दोष है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं कि एक मूक दर्शक बन के अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना को देखती रहती हैं, कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यूएनओ के चार्टर में ही प्रावधान है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में ही प्रावधान है कि आंतरिक मामले या घरेलू मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं एक मूक दर्शक की तरह अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना को होता हुआ देखती रहती है। ये था पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट आता है, छठा और लास्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय कानून की अस्पष्टता तथा अनिश्चितता। अस्पष्ट है और अनिश्चित है, अंतर्राष्ट्रीय कानून की अस्पष्टता और अनिश्चितता। अनिश्चितता, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अधिकांश नियम अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए। अंतर्राष्ट्रीय कानून के जो अधिकांश नियम हैं वो आज तक भी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, अभी तक, वर्तमान समय तक भी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। अभी तक इनका संकलन एक बड़ी समस्या है। अभी तक इनका संकलन, जो नियम है उनका संकलन करना
एक बड़ी समस्या है। अभी तक अंतर्राष्ट्रीय कानून के जो नियम हैं उनका संकलन करना एक बड़ी समस्या है। इनका आधार क्यों? क्योंकि इनका आधार आज भी आपसी समझौते हैं। इनका आधार, ये जो नियम है अंतर्राष्ट्रीय कानून के, इनका आधार आज भी क्या है? आज भी वर्तमान समय में भी समझौते हैं, आधार समझौता है। समझौते के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून चलता है। राज्य सोचते हैं कि यदि समझौते को स्पष्ट रूप से कहा गया तो राज्यों की विचारधारा है, यदि जो समझौते किए गए हैं उनको स्पष्ट रूप से कहा गया तो, स्पष्ट खोलकर साफ शब्दों में स्पष्ट रूप से कहा गया तो भविष्य में इन समझौतों की मनचाही व्याख्या नहीं कर सकेंगे। अगर स्पष्ट रूप से कह दिया तो भविष्य में ये राज्य इन समझौतों की मनचाही व्याख्या नहीं कर सकेंगे। उनके मन में जो आएगा ऐसी व्याख्या नहीं कर सकेंगे, मनचाही व्याख्या नहीं कर सके। इसी प्रकार परंपरागत कानून में पर्याप्त स्पष्टता नहीं है। इसी प्रकार जो परंपरागत कानून है उसमें भी स्पष्टता नहीं है, उसमें भी कोई स्पष्ट रूप, उसका भी कोई स्पष्ट रूप नहीं है। तो क्या बनी छठा पॉइंट? अंतर्राष्ट्रीय कानून की अस्पष्टता और अनिश्चितता। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून आज भी राज्यों की समझौते पर आधारित है, उसका आधार ही राज्यों का समझौता है, समझौते पर आधारित है। और राज्य क्या सोचते हैं? राज्य सोचते हैं कि यदि इन समझौतों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर दिया गया, स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर दिया गया तो क्या होगा? तो राज्य क्या करेंगे? इन समझौतों की मनचाही व्याख्या नहीं कर सकेंगे, मनचाही व्याख्या नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो समझौते हैं उनको स्पष्ट रूप से इनकी व्याख्या नहीं की जाती, स्पष्ट रूप से उनको प्रस्तुत नहीं किया जाता है। क्योंकि राज्य समझते हैं कि यदि स्पष्ट रूप से कर दिया तो हम अपनी मनचाही व्याख्या नहीं कर सकेंगे समझौतों की। इसी प्रकार परंपरागत कानून भी पर्याप्त स्पष्टता नहीं है। परंपरागत जो कानून है, जो पहले से चला आ रहा है, उसमें भी स्पष्टता नहीं है, वो भी साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है। इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय कानून की कमजोरियां दोष बन जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की स्पष्टता और अनिश्चितता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में अस्पष्टता और अनिश्चितता है, ना स्पष्ट है ना निश्चित है, अस्पष्टता और अनिश्चितता है। ये थे 6 पॉइंट कमजोरियां दोषों के। अब लास्ट जो हेडिंग है वो इसका था मूल्यांकन या कंक्लूजन। कोई भी टॉपिक देते हैं उसका मूल्यांकन या कंक्लूजन जरूरी होता है। मूल्यांकन या कंक्लूजन, बीएलडी के अनुसार एक विद्वान हुए बीएलडी ने क्या लिखा था? बीएलडी ने लिखा था कि इन्वर्टेड कॉमन में लेना, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय विधि की दो बड़ी कमजोरियां हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय विधि की दो बड़ी कमजोरियां हैं। इसी में इन कानूनों को बनाने और लागू करने वाली संस्थाएं अभी आरंभिक दशा में है। इन कानूनों को बनाने और लागू करने वाली संस्थाएं बड़ी आरंभिक दशा में हैं और इनका क्षेत्र बहुत संकुचित है। इस कानून का निर्माण करने वाली ऐसी कोई संस्था नहीं है जो इस कानून को अंतर्राष्ट्रीय समाज की नई आवश्यकता के अनुसार ढाल सके। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। कंक्लूजन में बीएलडी ने क्या कहा? बीएलडी ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय विधि की दो बड़ी कमजोरियां हैं।
वर्तमान जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है उसकी दो बड़ी कमजोरियां हैं। क्या क्या कमजोरियां कि इन कानून को बनाने और लागू करने, दो कमजोरियां, बनाने और लागू करने वाली संस्थाएं अभी आरंभिक दशा में हैं, अभी स्टार्ट कर रही हैं, प्रारंभ कर रही हैं, आरंभिक दशा में हैं, आरंभ कर रही हैं। दो कमजोरियां, बनाने और लागू करने, ये जो कानून है इनको बनाने और लागू करने वाली संस्थाएं अभी आरंभिक दशा में, अभी बना ही रही हैं, प्रारंभिक दशा में, आरंभ कर रही हैं, और इनका क्षेत्र बहुत संकुचित है। ये जो संस्थाएं, इनका क्षेत्र क्या है, बहुत संकुचित है, बहुत छोटा है। इस कानून का निर्माण करने वाली, ये जो कानून है अंतर्राष्ट्रीय कानून, इस कानून का निर्माण करने वाली ऐसी कोई संस्था नहीं है, अभी तक ऐसी कोई संस्था नहीं हुई है इस कानून का निर्माण करने वाली, जो कानून को अंतर्राष्ट्रीय समाज की, जो इस कानून को अंतर्राष्ट्रीय समाज की नई आवश्यकताओं के अनुसार ढाल सके, नई आवश्यकताओं के अनुसार ढाल सके। ये बीएलडी के शब्द थे कंक्लूजन में, कि अभी संस्थाएं आरंभिक दशा में हैं। दो बड़ी समस्याएं, ना तो लागू करने का, ना ही बनाने के लिए। जो संस्थाएं जो लागू करती हैं, जो बनाती हैं, वो संस्थाएं आरंभिक दशा में हैं, तो और इसका क्षेत्र भी बहुत संकुचित है। इस कानून का निर्माण करने वाली ऐसी कोई संस्था नहीं है, ऐसी कोई किसी प्रकार की संस्था नहीं है जो कानून को समाज की नई आवश्यकता के अनुसार ढाल सके, अंतर्राष्ट्रीय कानून को समाज की नई आवश्यकता के अनुसार ढाल सके, नई आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित कर सके, ऐसी कोई संस्था भी नहीं हुई है। ये थी अंतर्राष्ट्रीय कानून की कमजोरियां या दोष। अगली कक्षा में हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय कानून में सुधार के सुझाव, सुधार किस प्रकार किया जा सकता है, सुधार के सुझाव।